हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार नाश्ता है और ये है हेल्दी सैंडविच टोस्ट की रेसिपी। बिना ब्रेड के बनने वाला ये सैंडविच टोस्ट खाने में बहुत टेस्टी है और इसे बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पास में बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करें। तो इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में आधा कप सूजी लेंगे और इसी के साथ हम इसमें 1/4 कप दही मिला देंगे। और यहाँ पर हमने फ्रेश दही लिया है और 1/4 कप ही हम इसमें पानी मिलाएंगे। और अब हम सूजी, दही और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, यहाँ पर अभी हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देते हैं। और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए सूजी फूल चुकी है। और अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बैटर थोड़ा थिक हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना पानी और ऐड करेंगे। तो एक बार में हम 1 टेबलस्पून पानी ही डाल रहे हैं, बैटर को हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है। आप चाहें तो इसमें 1/2 टेबलस्पून जितना पानी और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं मिलाना है। तो अब ये बैटर एकदम सही है। तो अब हम इसमें ये 1 चुटकी बेकिंग सोडा मिलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये मीठा सोडा मिलाया है, इसे हम धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से ही हम इसे मिक्स करना है। और ये देखिए हमने बैटर को बना लिया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। और यहाँ पर हमने ये सैंडविच टोस्टर लिया है, तो ये हैंड सैंडविच टोस्टर है और इसी में ही हम ये और इसी टोस्टर में ही आज हम ये सूजी सैंडविच टोस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस टोस्टर को बटर से ग्रीस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये सॉल्टेड बटर लिया है और इसे रूम टेम्परेचर पर कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं या ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बटर को हम इस तरीके से किनारों पर अच्छे से लगा देंगे, क्योंकि हमें सूजी सैंडविच टोस्ट बनाना है तो उसे हमें अच्छे से चारों तरफ से कुक करना होगा। ये देखिए एक साइड बटर लगाने के बाद अब हम दूसरी साइड से भी बटर से ग्रीस कर देंगे। तो बटर मैंने दोनों साइड लगा दिया है। अब हम डालते हैं इस पे ये सूजी बैटर। 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पे ये सूजी बैटर डालेंगे। तो ये देखिए किनारों से लेकर हमें इसे पूरा फिल करना है। तो 2 से 3 चम्मच लगेंगे, आप देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप इसमें से निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमें इस टोस्टर को पूरा कवर करना है। अगर बीच में से जगह खाली रह गई तो वहाँ से होल हो सकता है और वो टोस्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सूजी का जो बैटर है उसे थोड़ा थिक रखा है। आप बैटर को पतला नहीं कीजिएगा, आप इसे थिक ही रखिएगा। अगर आप इसे पतला कर देंगे तो ये सारा बैटर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो इसमें से मुझे थोड़ा बैटर ज़्यादा लगा, तो मैंने इसमें से 1 चम्मच बैटर निकाल दिया है। तो मैंने इस टोस्टर को अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम इसमें स्टफिंग रखेंगे। तो आज हमने ये स्टफिंग मिक्स वेज की बनाई है। तो मेरे पास ये मिक्स वेज थी, मैंने इसे मैश कर लिया है। आप चाहें तो इसमें आप पनीर की स्टफिंग दे सकते हैं, शिमला मिर्च, प्याज और चीज़ की स्टफिंग दे सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप इसमें स्टफिंग ऐड कर सकते हैं। और अगर आप आलू मसाला स्टफिंग तैयार करना चाहें तो आप मेरे दही के नाश्ते की रेसिपी को देख सकते हैं। तो उस वीडियो में भी मैंने आपके साथ आलू मसाले की रेसिपी शेयर की है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और इस स्टफिंग में आप पाव भाजी भी ले सकते हैं। तो जो स्टफिंग आपको पसंद हो आप इसमें ऐड करें।
और स्टफिंग मैंने डाल दी है। अब हम इसे फिर से कवर करेंगे। तो ये देखिए, 2 से 3 चम्मच ही बैटर हम इस तरीके से चारों तरफ फैला लेंगे और इसे हम ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे, क्योंकि इस बैटर में हमने बेकिंग सोडा मिलाया है और बेकिंग सोडा मिलाने से ये बैटर थोड़ा फूल जाएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथों से ऊपर की लेयर को फैलाना है। आप देख सकते हैं, और इस हेल्दी सैंडविच टोस्ट को बनाने के लिए हमने ये सूजी की लेयर दोनों तरफ लगा दी है। अब हम इस टोस्टर को बंद करेंगे। तो ये देखिए, हम इस टोस्टर को बंद करेंगे और ये एक्सेस जो बैटर है ये बाहर निकल गया है, तो इसे हमें क्लीन करना है, वरना जब हम इसे गैस पर पकाएंगे तो ये नीचे गिर सकता है। तो बस अब हम फटाफट से इस टोस्टर को गैस पर रखेंगे, और ये देखिए, गैस फ्लेम को ऑन करने के बाद हमने इसे लो कर दिया है, और लो फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे एक साइड से कुक होने देंगे। यहाँ पर हमें फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है, लो फ्लेम पर ही ये टोस्ट क्रिस्पी बनकर के तैयार होता है। और इस सूजी टोस्ट का कुकिंग टाइम आप इसमें कितना बैटर डाल रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट के बाद अब हम इस टोस्ट को फ्लिप कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मिनट के लिए इसे दूसरे साइड से भी कुक कर लिया है। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं, और ये देखिए, मैंने इसे चेक किया है, ये ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं हुआ है और नीचे से अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो इसे हम 1 मिनट के लिए और टोस्ट करेंगे। तो इस टोस्टर को हम गैस पर लो फ्लेम पर ही रखेंगे और 1 मिनट के लिए इसे और कुक करेंगे। और पूरा 1 मिनट कुक करने के बाद अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और ये देखिए, हमारा गोल्डन टेस्टी और चटपटा सूजी का ये सैंडविच टोस्ट बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुका है, एकदम क्रिस्पी बना है, और ये दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। वाह, बहुत ही अच्छा सैंडविच टोस्ट बना है। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, कितना क्रिस्पी बना है ये। देखिए, बाकी के बचे हुए बैटर से हम दूसरा टोस्ट भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो 1/2 कप सूजी से मैंने यहाँ पे 2 टोस्ट बनाए हैं। तो इस तरीके से हम बैटर को टोस्टर में डालेंगे और 6 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर दोनों साइड से फ्लिप करते हुए क्रिस्पी होने तक कुक करेंगे। तो मैंने ये दोनों टोस्ट बना करके तैयार कर लिए हैं, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं। आप इन्हें इमली की चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिए। और ये स्टफिंग देख सकते हैं आप, कितने अच्छे से फैली है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, आई होप आपको ये पसंद आएगी। रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पास में बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।